हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन लिंक्स 500 कैप्सूल के बारे में। जी हाँ, ये जो लिंक्स का 500 कैप्सूल है ना, एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है, जो भी बॉडी में जितने भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उस इन्फेक्शन में डॉक्टर के द्वारा ये चलाया जाता है और इसका बहुत ही बेहतरीन असर भी देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के अंदर मेन कंपोजिशन कंटेंट क्या क्या चीज़ें मिली हुई होंगी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, मतलब इस कैप्सूल की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, लिंक्स 500 कैप्सूल के अंदर अगर हम मेन कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें क्या मिला होगा, लिंकोमाइसिन। जी हाँ, लिंकोमाइसिन एक तरीके से एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि 500 mg के अमाउंट में इस टैबलेट में मिला होगा कैप्सूल में। बात करेंगे कौन सी कंपनी बनाती है, तो वेलेस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक बहुत ही मानी जानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक स्ट्रिप में टोटल 15 कैप्सूल आएगी, जिसकी कीमत लगभग 180 रुपये के आसपास मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे इसके यूजेस की, तो जैसा कि हमने बताया कि भैया ये जो लिंक्स 500 कैप्सूल है ना, ये कम्प्लीटली बॉडी में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके लंग्स यानी कि आपका कह सकते हो निमोनिया की कंडीशन में दिया जाता है, या फिर गले में इन्फेक्शन हो, पेट में इन्फेक्शन हो, स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर सॉफ्ट टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपके बोन्स में, आपके जॉइंट्स में, आपके टिथ्स में, जितने भी प्रकार के बॉडी में बैक्टीरिया जनित इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन होते हैं ना, उसको दूर करने की बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी मेडिसिन ये कैप्सूल मानी जाती है। बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है, तो जैसा कि मैं बताया लिंकोमाइसिन एक तरीके से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया होती है जो कि आपका इन्फेक्शन कॉज करती है उसी को किल करेगी। कैसे किल करती है, जो बैक्टीरिया का इसेंशियल प्रोटीन होता है जिसके कारण बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, उस प्रोटीन के सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर देगा। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा, और कम्प्लीटली जिस बैक्टीरिया के कारण आपका इन्फेक्शन हो रहा था ना, वो इन्फेक्शन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके काम करने का तरीका हुआ। अगर हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे यूज करना है, तो इस मेडिसिन को डॉक्टर के सलाह के बाद लोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आपकी कंडीशन के हिसाब से डोज बताते हैं। होली से सॉलो करना होता है, चीव क्रस या ब्रेक करके नहीं खाना होता। अगर बात करेंगे इसके प्रिकॉशन, क्या सावधानियां रखनी है, तो इसे खाली पेट लेने पे इसका बेहतरीन असर देखने को मिलता है। बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखें, जितना भी डोज बताया जाए इससे ज़्यादा न लेना चाहिए, और इस्तेमाल करने से पहले लेबल का डायरेक्शन वगैरह भी अच्छे से ज़रूर पढ़ें। बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट। देखिए, साइड इफेक्ट कब होगा, जब आप डॉक्टर से सलाह नहीं लोगे, ओवरडोज ले लिया या आपको सूट नहीं किया, तो डायरिया की समस्या, डिजीनेस, जी मचलाना और कान बजना, नौजिया या फिर अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन वगैरह देखने को मिलता है, जो कि कब होगा, बिना डॉक्टर की सलाह के लेने पे, बहुत ज़्यादा एक्सेस डोज ले लिया या आपको सूट नहीं किया, तब होगा। सो ये था आपका लिंक्स कैप्सूल, जो कि आपका यहाँ पे प्रिकॉशन देखा, कैसे यूज़ करना है, क्या काम करने का तरीका हुआ, इस्तेमाल करने का तरीका क्या हुआ, क्या इसका उपयोग हुआ और क्या क्या मिला होता है, कैसे क्या रेट में आती है, सारी चीज़ें इस कैप्सूल के बारे में हमने जानकारी दी। उम्मीद होगी इस कैप्सूल की जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी तरीके से ढेर सारे हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोस, मेडिसिन के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल विजिट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।